आखिर नोटों को कभी गोल क्यों नहीं छापा जाता और क्यों भारत के पेट्रोल पंप अब पेट्रोल के साथ फ्री में नाश्ता और खाना भी दे रहे हैं। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि अगर चलती स्कूटी के ब्रेक फेल हो जाएं तो हम उसे रोकेंगे कैसे? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रसीले फैक्ट्स के अध्याय को। नंबर 20। क्या आपको पता है कि त्रिवंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ना सिर्फ भारत का बल्कि विश्व का इकलौता ऐसा एयरपोर्ट है जिसे भगवान के लिए बंद किया जाता है। असल में केरल राज्य में पद्मस्वामी मंदिर मौजूद है जिसकी शोभा यात्रा इसी एयरपोर्ट के रनवे से निकल कर जाती है, जिसके चलते इस एयरपोर्ट और इस रनवे को साल में 2 बार 5-5 घंटों के लिए बंद किया जाता है। वाओ। नंबर 19। जब तुम सफेद साड़ी पहनकर लाल बिंदी लगाती हो तो मार कसम एम्बुलेंस नजर आती हो। वेल, इस सस्ते से जोक को तो आपने बहुत सी बार जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि बेंगलोर की फैमिली शायद अब इस जोक को ज्यादा ही सीरियस ले गई है। असल में इस फैमिली को रेड एंड व्हाइट कलर इतना ज्यादा पसंद है कि इन्होंने अपने टूथब्रश से लेकर मोबाइल, कार, घर की वॉल्स और यहाँ तक की सभी चीजों को रेड एंड व्हाइट कलर में ही कन्वर्ट कर रखा है और इसलिए अब इस फैमिली को रेड एंड व्हाइट कलर फैमिली के नाम से जाना जाता है। नंबर 18। क्या आपको पता है कि साल 1962 में रशिया में एक ऐसी कार को भी बनाकर तैयार किया गया था जिसके टायर चमकते थे। असल में टायर्स की रिम में कुछ इस तरीके से एलईडी बल्ब्स को लगाया गया था, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इन टायर्स की वजह से रोड एक्सीडेंट्स काफी ज्यादा बढ़ने लगे तो आगे चलकर इस अमेजिंग सी टेक्नोलॉजी को डंडे बस्ते में डालना पड़ा। नंबर 17। भावी दुनिया में जहां 1.5 लाख के फोन के साथ हमें चार्जर भी नहीं दिया जाता, तो वहीं क्या आपको पता है कि एमपी के पेट्रोल पंप अब पेट्रोल के साथ साथ आपको फ्री में नाश्ता और खाना भी दे रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में वेट के चलते पेट्रोल काफी ज्यादा महंगा हो गया है, जिसकी वजह से यहां के लोग और ट्रक ड्राइवर्स एमपी की बजाय महाराष्ट्र में जाकर पेट्रोल डलवा रहे हैं और इसीलिए अपनी सेल को बढ़ाने और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इस हाई लेवल के काम को किया जा रहा है। नंबर 16। अक्सर बैक्टीरिया को मारने के लिए हम एंटीबैक्टीरियल मेडिसिंस खाते हैं, लेकिन इन मेडिसिंस को खाने के बाद हमारी बॉडी में एक्चुअली में क्या होता है, चलिए आज वो देखते हैं। असल में दोस्तों, जैसे हम किसी भी एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन को कंज्यूम करते हैं तो वो मेडिसिन हमारी बॉडी के अंदर मौजूद बैक्टीरिया को एक्सट्रीम लेवल पर फुलाकर कुछ इस तरीके से उन्हें फाड़कर खत्म कर देती है। नंबर 15। क्या आपको पता है कि छोटी सी दिखने वाली इस चेरी की देखभाल किसान कम और हेलीकॉप्टर्स ज्यादा करते हैं। दरअसल चेरी को सही रखने के लिए गर्म और सूखे मौसम की जरूरत होती है क्योंकि पानी के कॉन्टेक्ट में आकर ये फट जाती है और इसीलिए बारिश के बाद इन्हें तुरंत ड्राई करने के लिए बहुत से देश कुछ इस तरीके से हेलीकॉप्टर्स की मदद लेते हैं। मतलब गजबी थाट है इस फ्रूट के तो। नंबर 14। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि पैसों की कमी के चलते हुए बाहर रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा पाते, तो इन्हीं लोगों को ध्यान में रखते हुए जैपनीज गवर्नमेंट ने एक कड़क प्लान निकाला है। असल में जैपनीज गवर्नमेंट के अनुसार पैसे की कमी आपको आपके पसंदीदा खाने से दूर नहीं रख सकती और इसलिए अब आप जापान के किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहते हैं तो आप वहां जाकर खा सकते हैं और इसके बदले में आप रेस्टोरेंट को पैसे की बजाय अपनी सर्विसेज जैसे कि सफाई करना या फिर बर्तन धोना जैसी बेसिक सर्विसेज दे सकते हैं। इस चीज को इंडिया में भी लाना चाहिए, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। नंबर 13। क्या आपको पता है कि हर एक प्लेन के इंजन को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो बाहर की हवा को अंदर खींचने के साथ साथ उसे कंप्रेस कर उसके टेम्परेचर को भी नॉर्मल करे ताकि उसी हवा को केबिन में लोगों के सांस लेने के लिए पहुंचाया जा सके। एंड इंटरेस्टिंगली अगर इंजन ऐसा नहीं करेंगे तो इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी के चलते हुए महज 4 से 5 मिनट के अंदर ही हम लोगों का देहांत हो जाएगा। नंबर 12। क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसा शमशान घाट भी मौजूद है जहां पर चिता जलाने के साथ साथ डांसर्स से डांस भी करवाया जाता है। असल में काशी के मणिकर्णिका शमशान घाट की एक प्रथा के अनुसार साल के कुछ सिलेक्टेड दिनों में यहां पर प्रोफेशनल डांसर से डांस करवाया जाता है और ऐसा सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि लोगों का ये मानना है कि अगर इन सिलेक्टेड दिनों में कोई भी डांसर्स शमशान घाट पर आकर डांस करती है तो उसे अगले जन्म में डांसर नहीं बनना पड़ता और इसलिए इस अजीब से रिचुअल को इस शमशान घाट पर मनाया जाता है। अच्छा, ऐसा कुछ भी गणित लग सकता था। नंबर 11। किसी भी फूड प्रोडक्ट के एक्सपायर होने के बाद आप उसे नहीं बेच सकते, राइट? लेकिन शायद अफ्रीका में मामला कुछ अलग ही है। असल में अफ्रीका की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण यहाँ के एक लॉ के अनुसार आप अफ्रीका में एक्सपायर्ड प्रोडक्ट बेच सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस कंट्री में आपको स्पेशली बहुत से ऐसे शॉपिंग मॉल्स भी मिलेंगे जो कि काफी कम दाम पर सिर्फ और सिर्फ एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स ही बेचते हैं और इसलिए दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज प्रोडक्ट एक्सपायर होने के बाद उन्हें सीधा अफ्रीका भेज देती है। अजीब
लेकिन सच। नंबर 10, आपने गिरगिट को सिचुएशन के हिसाब से अपने रंग को बदलते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने इंसानी बालों को रंग बदलते हुए देखा है? असल में अभी हाल ही में द अनसीन कंपनी ने फायर नाम के दुनिया के सबसे पहले ऐसे हेयर कलर को भी बनाकर तैयार कर लिया है जो कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चुटकी बजाते ही अपने रंग को बदल सकता है, और इसलिए ये प्रोडक्ट निब्बों और छपरियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। नंबर 9, क्या आपको पता है कि जहां दूसरे देश वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए तरसते हैं, तो वहीं हर साल गुजरात के गांधीनगर में नवरात्रि के अवसर पर हर बार एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड को ही बना दिया जाता है। असल में यहां पर हर साल हिंदू गॉड्स के दुनिया के सबसे बड़े ऐसे ऑयल लैंप्स पोर्ट्रेट्स को बनाकर तैयार किया जाता है, जिनको की बनाने के लिए हजारों श्रद्धालुओं को अपने हाथ में दिए लेकर कुछ इस तरीके से खड़ा होना पड़ता है। तो गाइस, इस एफर्ट के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। नंबर 8, क्या आपको पता है कि सितंबर 2021 में यूएसए में टिकटॉक पर डेवियस लिक्स नाम का एक ट्रेंड वायरल हुआ था, जिसमें स्कूल की प्रॉपर्टी को चोरी और डिस्ट्रॉय करने के लिए बच्चों को एनकरेज किया गया था, जिसके चलते हुए दिमाग से अपंग इन बच्चों ने वो कारनामे कर डाले कि इनसे परेशान होकर बहुत लंबे समय तक यूएसए को अपने सभी स्कूल्स के टॉयलेट्स को ही बंद करना पड़ा था, और ये चीज अपने आप में एक रिकॉर्ड है। नंबर 7, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी बुक भी मौजूद है जिसे पढ़ने के साथ साथ आप उससे पानी भी फिल्टर कर सकते हैं? असल में साल 2015 में साइंटिस्ट ने एक ऐसी बुक भी बनाई थी जिसके सिर्फ एक पेज से ही कुछ इस तरीके से 1000 लीटर तक के पानी को साफ किया जा सकता था, और वास्तव में ये कॉन्सेप्ट अपने आप में अमेजिंग जरूर है। नंबर 6, क्या आपको पता है कि आज से कुछ समय पहले तक एक फेक आईपीएल को यूट्यूब के थ्रू टेलीकास्ट भी किया जाता था? असल में एक टैलेंटेड इंडियन ने रशियंस को चूना लगाने के लिए यही फेक आईपीएल दिखाकर उनसे सट्टा लगवाया, एंड गेस व्हाट, इस सस्ते आईपीएल से पर्दा उठने तक उस इंडियन ने इसी फर्जी सट्टे से ही करोड़ों रुपए छाप डाले थे। नंबर 5, जब भी हमें कहीं चोट लगती है तो वो खुद ब खुद ही हील हो जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी बॉडी की ये क्वालिटी सिर्फ अब आप तक ही सीमित नहीं रही? असल में लैम्बोर्गिनी ने टेरेंजो मिलेनियो नाम की एक ऐसी कार भी बना ली है जिसमें मौजूद नैनो ट्यूब्स जैसे ही धूप के कांटेक्ट में आते हैं वो खुद ब खुद ही इस कार के डेंट को निकालना शुरू कर देते हैं, और वास्तव में ये टेक्नोलॉजी किसी अजूबे से कम नहीं है। नंबर 4, बुर्ज खलीफा और उसके शानदार स्ट्रक्चर के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन एक बात जो फॉर श्योर आप नहीं जानते होंगे वो ये है दोस्तों कि इतनी शानदार बिल्डिंग होने के बावजूद भी इसमें आज तक सीवरेज सिस्टम ही नहीं है, और इसलिए यहाँ पर हर रोज ट्रकों की लाइंस लगा दी जाती हैं जिसमें बिल्डिंग के गंदे पानी और टॉयलेट को रोजाना भरकर ले जाया जाता है। तो सीवरेज सिस्टम की तरह अगर आपकी लाइफ में भी एजुकेशन काफी ज्यादा मैटर करती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। नंबर 3, दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की तरफ है। क्या आपको पता है कि भारत बहुत ही जल्द अटारी बॉर्डर पर देश का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराएगा जिसकी ऊंचाई 418 फीट होगी, और ये चीज अपने आप में एक रिकॉर्ड होगी। नंबर 2, स्कूटी के ब्रेक फेल हो जाएं तो क्या करें? गाइस, हम सभी को पता है कि जब भी बाइक के ब्रेक फेल होते हैं तो हम उसको बेहद ही आसानी से गियर का यूज करके रोक सकते हैं, लेकिन जब स्कूटी में गियर होते ही नहीं है तो इस कंडीशन में हम स्कूटी के साथ ऐसा क्या करें जिससे वो रुक जाए? असल में स्कूटी में नॉर्मल ट्रांसमिशन की बजाय कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन होता है, यानी कि आपकी स्कूटी के अंदर भी गियर्स होते हैं लेकिन उनको बदलने का काम आप नहीं बल्कि आपकी स्कूटी की स्पीड करती है। यानी कि अगर स्कूटी का एक्सीलेटर कम होगा तो स्कूटी लो गियर में चलेगी, जबकि एक्सीलेटर ज्यादा होगा तो स्कूटी अपर गियर में चलती है, और इसलिए ब्रेक फेल होने की कंडीशन में आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, और इसके बाद आपको बस स्कूटी के एक्सीलेटर को देना बंद कर देना है जिससे स्कूटी अपने आप ही लो गियर में आ जाएगी और वो देखते ही देखते स्लो होने लगेगी। लेकिन हाँ, इस सिचुएशन में कभी भी स्कूटी को बंद मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप स्कूटी को बंद करेंगे कंटीन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन भी बंद हो जाएगा, और फिर एक्सीलेटर ज्यादा हो या फिर कम, स्पीड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, एंड ऑनेस्टली उसके बाद बहुत गंदा वाला कांड होगा। नंबर 1, नोट आखिर गोल क्यों नहीं छपते? असल में गाइस, आपने भी कभी ना कभी इस चीज को तो जरूर सोचा होगा कि जब टाइम टू टाइम हम नोटों के कलर, फीचर्स और उसकी डिजाइन को चेंज कर देते हैं तो फिर आखिर नोट के शेप को चेंज क्यों नहीं किया जाता, और फिर इस कंडीशन में आखिर क्यों इस दुनिया के ऑलमोस्ट सभी देश रेक्टेंगुलर शेप के ही नोटों को छापते हैं? असल में दोस्तों, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण नोट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करना है। असल में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नोटों को स्पेशल मटेरियल से बनाई गई एक पेपर शीट के ऊपर छापा जाता है, और इस शीट के ऊपर एक दो नहीं बल्कि एक बार में बहुत से नोटों को एक साथ प्रिंट किया जाता है। तो अगर नोटों को रेक्टेंगुलर शेप की बजाय किसी और शेप में प्रिंट किया जाएगा तो उस शीट पर प्रिंट हुए नंबर ऑफ नोट्स काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। यानी कि इन शॉर्ट, अगर आप किसी भी शीट के ऊपर रेक्टेंगुलर शेप के नोटों को प्रिंट करते हैं तो आप उस शीट के हर एक हिस्से को प्रिंटिंग में यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन वहीं अगर आप नोट को गोल या किसी और शेप में प्रिंट करते हैं तो उस शीट के कोने या फिर बीच में बहुत सी ऐसी जगह बच जाती है जो कि प्रिंट नहीं हो पाती,
जिससे शीट का वेस्टेज काफी ज्यादा बढ़ जाता है और ये सारी ही चीजें नोट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ऊपर इफेक्ट डाल देती हैं और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए ऑलमोस्ट दुनिया की सभी देश नोटों को सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगुलर शेप में ही प्रिंट करते हैं। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो इस वीडियो को दिल खोल कर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। आप अगर मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहते हैं और हमारे इस प्यार को एक अलग ही लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। और अगर फिर भी आपको तकलीफ है तो आप सीधा गूगल पर जाकर आकाश अरोड़ा लिखकर टाइप कर सकते हैं, वो भी आपको मेरे इंस्टाग्राम तक पहुंचा देगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी। दोस्तों जय हिंद।